नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2021 बस 2 दिन का इंतजार है, आज और कल, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे इसके मुकाबले। भारत में रोमांच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय टीम के मुकाबले का, क्योंकि भारतीय टीम है पिछले बार की स्वर्ण पदक, संयुक्त स्वर्ण पदक विजेता, रूस के साथ संयुक्त विजेता बना था भारत, और इस बार एकल विजेता बनने की जो है दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है बस 2 दिन के इंतजार के बाद। खैर, आपका एक चीज का इंतजार तो खत्म हो चुका है, और वो है ये कि भारतीय टीम किस ग्रुप पर रखी गई है, किस किस टीम से मुकाबला होने वाला है, कौन कौन टीम हमको चुनौती पेश कर सकती है, इन सारे मामलों पर जो है हम नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के दौरान, और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। खैर, तो भारतीय टीम की बात, कौन कौन है भारतीय टीम में। इस बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं विश्वनाथन आनंद जी। जी हां, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद जी इस बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। उनके बाद टीम में जो सदस्य हैं वो कौन कौन है, इस पर भी नजर जो है हम डालेंगे। लेकिन तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि दरअसल इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम जो है कितने सदस्यों के साथ जो है प्रतिभागिता कर सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी मैच में अधिकतम 6 खिलाड़ी जो है वो खेलने वाले हैं आपकी टीम से। अब इन अधिकतम 6 खिलाड़ियों में कोटा क्या है, सबसे पहले कोटा है 2 ओपन वर्ग से, मतलब 2 मेल खिलाड़ियों का, जिसमें भारतीय टीम के पास 4 खिलाड़ी हैं, विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा, विदित गुजराती और आदिबन भास्करन, ये आपके पास 4 खिलाड़ी हैं। इसमें से आप 2 को रिजर्व रख सकते हैं और 2 को जो है हर मैच में खेलने के लिए उतार सकते हैं। तो बहुत ही मजबूत लाइनअप कहा जाएगा, क्योंकि इसमें से जो 4 खिलाड़ी हैं 3 2700 के ऊपर हैं और 1 ऑलरेडी 2700 के ऊपर रह चुके हैं। खैर, इसके बाद बात करेंगे महिला वर्ग में। भारत यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि भारत के पास जोड़ी है कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली, यहाँ से भी 2 खिलाड़ी खेलने हैं महिला वर्ग से, और कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, और उनके बाद कौन है, उनके बाद है तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी। तो निश्चित तौर पर जो ज़्यादा मजबूत मुकाबले होंगे, मुझे लगता है उसमें हम्पी और हरिका की जोड़ी जब भी उतरेगी वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती है किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ। तो ये भारत का एक और मजबूत पक्ष है। तीसरा, इसके बाद 2 स्थान बचते हैं, वो उसमें एक 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 ओपन से जूनियर, मतलब मेल जूनियर प्लेयर और एक फीमेल जूनियर प्लेयर जो है वो खेलने के लिए जो है उतरेगी अंडर 19 सेक्शन से। और यहाँ पर भी भारत जो है बहुत मजबूत नज़र आता है, क्योंकि ओपन वर्ग या बोले मेल में आप बात करें, बॉयज में बात करें, तो प्रज्ञानंदा और निहाल, 2 ये मजबूत खिलाड़ी, हमें सब पता है कि इनमें से जो भी उतरेगा वो कमाल कर सकता है। तो ये बहुत एक अच्छी स्थिति है, भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मतलब आप जब आप इनको रोटेट करेंगे तो ये खिलाड़ी और बेहतर तरीके से खेलते हैं, क्योंकि उनको समय मिलता है तैयारी करने का। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है भारतीय टीम के लिहाज से। उसके बाद बात करते हैं गर्ल्स में, तो वहाँ पर वैशाली, जो कि पिछले बार सीनियर पर खेल रही थी, इस बार उनको चूंकि उनकी एज है तो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि वैशाली बहुत ही मजबूत हैं ऑनलाइन शतरंज में। उनके अलावा जो है सविता श्री को मौका दिया गया है, वो पहली बार इंडियन टीम का सदस्य जो है वो बनी है, 14 वर्षीय हैं, तो मुझे लगता है उनसे भी हमें बहुत उम्मीद होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर भी महत्वपूर्ण मुकाबले होंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण, वहां पर शायद वैशाली को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो अनुभवी हैं और पिछले बार की जो ओलंपियाड टीम विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता, एशियन स्वर्ण पदक विजेता, उस टीम की सदस्य भी रही हैं, तो अनुभव भी जो है उनको बहुत ज़्यादा है। तो ये है भारतीय टीम। अब बात करते हैं कि भारतीय टीम किस ग्रुप पर रखी गई है। भारत की टीम को दरअसल पूल बी में जगह दी गई है। दोस्तों, यहां पर आपको दिखा सकते हैं कि आप पूल बी में भारत के साथ साथ सेंजेन चाइना, ये एक टीम है जिसे आप चाइना बी कह सकते हो, और अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया के साथ मोल्दोवा, स्लोवेनिया, इजिप्ट, फ्रांस, स्वीडन और हंगरी। मतलब इस बार, पिछले बार आपको याद होगा कि भारत का जो ग्रुप था पिछले बार लगभग एशियन जो कंटिनेंट है उसी से टीमें भारतीय टीम से टकराई थी। तो पिछले बार रास्ता थोड़ा आसान भी था, चाइना जरूर था भारतीय टीम में, ये बात है, लेकिन रास्ता थोड़ा आसान आप कह सकते हो पहुंचने का था प्लेऑफ में। इस बार थोड़ा सा मुश्किल बना दिया गया, क्योंकि इस बार यूरोपियन टीम आपके सामने है, और हमें पता है कि शतरंज में यूरोपियन टीम जो है वो काफ़ी कमाल का प्रदर्शन करती है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत किस टीम के खिलाफ जो है वो करने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो हम सबसे पहले देखते हैं टीम पेयरिंग ऑलराउंड्स की, है ना,
फिर उसके बाद हम पर्सनल एक एक टीम पर नजर डालेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर जो पहला राउंड शुरुआत होगी तो भारत के सामने होगा इजिप्ट, मतलब मिस्र की टीम होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रांस, फ्रांस का नाम काफी बड़ा है, इसमें टीम में कौन कौन है लेकिन वो महत्वपूर्ण है तो वो हम देखेंगे। उसके ये पहले दिन जो मतलब हम बात कर रहे हैं 8 तारीख को शाम को 4:30 बजे से मुकाबले शुरू हो जाएंगे भारतीय टीम के, तो 4:30 दूसरा मैच होगा, 5:30 तीसरा मैच होगा, 6:30। उसके बाद भारत का मुकाबला होगा पहले दिन स्वीडन से, फिर उसके बाद भारत की बारी आती है दूसरे दिन जब मुकाबला शुरू होगा मतलब 9 तारीख को, सबसे पहले शेंजेन चाइना, उसके बाद भारतीय टीम के सामने होंगे 5:30 बजे अजरबैजान। ये मुकाबला मेरे ख्याल से ये तय करेगा कि भारत इस ग्रुप में नंबर एक पे फिनिश करेगा या नंबर दो पे, तो अजरबैजान के साथ बहुत ही संभल के हमें जो है मुकाबला खेलना होगा। उसके बाद भारत के सामने होगा बेलारूस राउंड नंबर 6 पे, मतलब ये दूसरा दिन खत्म हो जाएगा 9 तारीख को, और फिर 10 तारीख को भारत की शुरुआत होगी 4:30 बजे शाम को हंगरी के खिलाफ, 5:30 बजे भारत खेलेगा मोल्दोवा से, और आखिरी राउंड भारत को अपना खेलना है स्लोवेनिया से। तो ये तो है राउंड्स की डिटेल कि भारत किस तरह से इजिप्ट के खिलाफ जो है वो अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है। टीम कंपोजिशन पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे, टीम कंपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन दरअसल इन टीम में खेलने वाला है। तो अगर आप शेंजेन चाइना की टीम खेलोगे तो इनके पास सिर्फ 6 ही खिलाड़ी हैं, मतलब इनके पास कोई रिजर्व प्लेयर नहीं है, तो इनके खिलाफ तैयारी करना भी आसान है। और जो खिलाड़ियों की रेटिंग है आप देख सकते हो, जो खिलाड़ियों के नाम हैं, मैं सबके नाम इसमें नहीं पढ़ पाऊंगा तो फिर भी कोशिश करता हूँ, जेंग हैं, यू हैं, जाओ है, जू है और हाउएन हैं और ली हैं, ये जो भी हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो टीम है ये डेफिनेटली चाइना की बी टीम के तौर पर है, यंग प्लेयर जरूर है, यहाँ पर 3 ग्रैंड मास्टर हैं, WIM है, WFM है, बट भारतीय टीम निश्चित तौर पर जो है इस टीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई समस्या हमें नहीं जाने वाली है। दूसरी टीम अजरबैजान, ये है वो टीम जो निश्चित तौर पर भारत के लिए चुनौती जो है प्रस्तुत करने वाली है, और इसमें देखिए कि इस टीम में कौन कौन है। तो मैं इस टीम के लिए खास तौर पर मैं आपको जो है एक दूसरे आपको दिखाता हूँ दूसरे नज़रिए से, और ये फीडे की वेबसाइट पर चलते हैं सीधे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टीम में दरअसल खिलाड़ी हैं कौन कौन जो भारतीय टीम के सामने उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टीम के जो खिलाड़ी हैं मेन खिलाड़ी रज्जबो और मामेदरो, तो भारत को अजरबैजान के खिलाफ पहले जो दो बोर्ड हैं वहाँ पर एक रणनीति हो सकती है कि आप इनको शायद होल्ड करना चाहें, क्योंकि ये दोनों बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। आज आपको बता दूं कि जो रेटिंग ली गई है फीडे रेटिंग, ये रैपिड की रेटिंग ली गई है, क्लासिकल की रेटिंग नहीं ली गई है, ठीक है। उसके बाद गुनाय ममजादा, इन्होंने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है ऑनलाइन शतरंज में, तो यहाँ पर वुमेन सेक्शन में भी भारत को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। हालांकि मुझे लगता है कि वुमेन सेक्शन का जो दूसरा बोर्ड है ममदुबा गुलनार, यहाँ पर भारत की जो है पकड़ मजबूत होना शुरू हो जाती है, यहाँ से हम्पी हरिका मेरे ख्याल से इनके सामने होंगी, तो वो वहाँ से भारत जो है मैच को पलटने की तैयारी शुरू कर सकता है। और उसके बाद भारत की जो मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ जो निकल करके सामने आएगी जब आप खेलेंगे जूनियर प्लेयर से, और वहाँ पर देखिए आपके सामने हैं यहाँ पर अजदाली वोगुर, मतलब अगर मैं टॉप रेटेड प्लेयर की बात करूँ तो चाहे यहाँ पर खेलें निहाल या प्रज्ञानंदा, यहाँ पर फिर आप एक बार फिर से मजबूत हो जाते हैं। और बोल नंबर 6 पे भी एक बार जो प्लेयर हैं बाला जाएवा खानिम, यहाँ पे भी भारतीय टीम की पकड़ जो है मजबूत हो सकती है। मतलब अजरबैजान के खिलाफ भारत को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं जाने वाली हैं अगर भारत ने जो है ऊपर के बोर्ड जो है मेंटेन रखे, और नीचे के बोर्ड तो फिर जूनियर प्लेयर जो है वो कमाल दिखाएंगे। पिछले बार की तरह जूनियर प्लेयर की टीम और वुमेन्स की टीम कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर जीत की कुंजी जो है वो साबित हो सकते हैं, मतलब कि जीत की गारंटी जो है आपको वहां से मिलती हुई जो है वो नज़र आ सकती है। तो एक बार फिर से वापस आते हैं चेस रिजल्ट्स पे और यहाँ पर नज़र डालते हैं कि तो ये टीम है पूरी। तो ये जो टीम की रैंकिंग दी गई है, जो पहले 6 खिलाड़ी हैं ये मेन रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं, उसके बाद के खिलाड़ी जो हैं वो रोटेट होते रहेंगे टीम में। तो मुझे लगता है कि अजरबैजान मजबूत जरूर है लेकिन भारत जूनियर लेवल पे भारी पड़ सकता है। उसके बाद बेलारूस की टीम सामने आती है, खिलाड़ी हैं लेकिन ये खिलाड़ी जाने पहचाने नाम है, जैसे अलेक्सेंद्राओ अलेक्सेज भारत में खेलते रहे हैं। तो भारत को इस टीम के खिलाफ अगर आप रैंकिंग देखें खिलाड़ी की, जो टॉप 6 रैंकिंग है, भारत को कोई परेशानी बेलारूस के खिलाफ भी नहीं जाने वाली है। भारतीय टीम तो आप देख ही सकते हैं जिस बारे में हम बात कर चुके हैं, और मालदोवा के बारे में भी देख लेते हैं। मालदोवा फिर वही जो अधिकतर टीमों की जो समस्या जाने वाली है, यहाँ पर विक्टर बोलोगन काफ़ी जाना पहचाना नाम है, पहले बोर्ड पर खेलेंगे,
फिर वायोरेल जो कि काफी मजबूत खिलाड़ी हैं आजकल, वो खेलेंगे दूसरे बोर्ड पर। लेकिन उसके बाद आप जब देखें कि इन खिलाड़ियों की रेटिंग आप देखें, चाहे गीटू हो, वर्मिन, हालांकि इन खिलाड़ियों की इस रेटिंग पर नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की भी कुछ रेटिंग आपको कम, प्रगनंदा की 1700 दिख रही है। तो पर ये जो टीम है एक्चुअली में, इन टीम का अगर आप आकलन करते हैं तो मोल्दोवा के खिलाफ भी भारतीय टीम जिस हिसाब से है कोई समस्या आपको नहीं दिखती है। स्लोवेनिया की बात कर लें, यहाँ पे भी भारत जो है मजबूत नज़र आता है और एकतरफा मुकाबले जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। इजिप्ट, जो पहले राउंड का जिस टीम से आपको मुकाबला खेलना है, वहाँ पे भी पहले दो बोर्ड के बाद जैसे ही सीनियर बोर्ड की बात खत्म होती है टीम काफ़ी कमज़ोर जो है वो हो जाती है इजिप्ट की। तो भारतीय टीम की जो ताकत है वो है हमारा संयुक्त तौर पर हम काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मेल के 2 स्पॉट देखिए, वुमेन के 2 स्पॉट देखिए और जूनियर्स के 2 स्पॉट देखिए, तो हम बहुत ही बैलेंस और मजबूत टीम है और यही खासियत हमें पिछले बार विश्व कप जिताने में, सॉरी ओलंपियाड जिताने में जो है मददगार साबित हुई थी। फ्रांस, अब ये टीम जो है इसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि फ्रांस का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा अलीरेज़ा फिरोज़ा, मक्सिम लाग्रेव, लेकिन वो दोनों खिलाड़ी इस टीम में नहीं खेल रहे हैं। अब क्यों नहीं खेल रहे हैं दरअसल मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन मैं खुश हूँ कि नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि फ्रांस से जो आपको एक चुनौती मिल सकती थी वो यहाँ पर नहीं मिलती नजर आएगी। बैकरोड जरूर है मक्सिम लाग्रेज, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा ऊपर के बोर्ड पर, बट उसके बाद वुमेन सेक्शन, जूनियर सेक्शन, भारत बहुत मजबूत हो जाता है फ्रांस से भी। स्वीडन की बात कर लेते हैं, तो स्वीडन भी भारत के सामने, वही पहले नील्स ग्रैंडुलियस, उनका नाम आपने सुना होगा, उसके बाद भारत एक बार फिर से, और पिया क्रामलिंग, ये भी वुमेन सेक्शन में इनका नाम काफ़ी सुना होगा, इनको छोड़ दें तो कोई ऐसा बड़ा नाम यहाँ पर भी उभर करके सामने नहीं आता जो चुनौती पेश कर सके, तो ये बिल्कुल साफ है। और उसके बाद हंगरी की टीम भी हम देख लेते हैं, तो हंगरी की टीम काफ़ी मुझे लगता है बैलेंस है बाकी टीम के मुकाबले, अगर आप देखें तो यहाँ पर टीम ये बैलेंस है, तो इस टीम से सावधान जरूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, विक्टर अर्दोस हैं, पापा पेत्रे हैं जो वुमेन में, होंग थंग हैं, ये थोड़ा बैलेंस प्लेयर हैं, तो इस टीम से थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको निकलना होगा। बट अगर आप साफ तौर पे देखें तो कागज पे तो हमारी टीम फिलहाल जो है वो बिल्कुल शेर नज़र आ रही है, कागज में तो हमारी टीम का कोई मुकाबला जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि क्या हम इस परफॉर्मेंस को डिलीवर कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे, मुझे लगता है साफ तौर पे भारत अगर अपनी स्ट्रेंथ से खेला तो इस ग्रुप में भारत जो है वो टॉप ही करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि टाइमिंग्स हैं 4:30, 5:30, 6:30, इतने बजे से जो है वो मैचेस शुरुआत होगी, हर दिन मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे, और 8, 9, 10 ये 3 दिन लगातार 9 राउंड होंगे। हिंदी चेस बेस इंडिया पे आपको सीधा कवरेज मिलेगा, खिलाड़ियों के वीडियोस के साथ मिलेगा, गेस्ट भी आएंगे, और हम जो है हर पहलू पर नज़र रखेंगे भारतीय टीम के प्रदर्शन का, जश्न जो है, जीत का जश्न जो है यहीं पर साथ मिल बैठकर बनाएंगे। उम्मीद इस बार भारतीय टीम की खास बात यह है कि भारतीय टीम जो है वो चेन्नई की ताज होटल से मुकाबला खेलने वाली है, मतलब कि सारी टीम एक साथ होगी, एक हॉल में बैठी होगी और वहां से ही टीम जो है मुकाबले जो है वो खेलेगी, जिससे टीम की एकजुटता भी जो है वो सामने आएगी, तैयारी करने में मदद मिलेगी। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम जो पिछले बार हुआ था वो माइक्रोसेंस नेटवर्क जो कि टीम का प्रायोजक है उसकी सहायता से, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन दोनों के साथ जो है कि हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर प्रयासों से इस बार टीम जो है वो खेलने वाली है। तो आइए देखते हैं, सागर भाई ने चेन्नई में ऑलरेडी, सागर भाई और अमृता पहुंच चुके हैं और वहां से उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उस वीडियो को देखते हैं। ताज क्लब होटल जो है होटल ताज क्लब में जो है मैच होने वाला है, क्या स्थिति है वहां पर, क्या जो है उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सागर भाई बता रहे हैं कि ये है वो वेन्यू जहां से जो है यहां पर अमृता आती हुई, और इस यहाँ से आप देखिए यहाँ पर पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं, साइलेंस प्लीज। तो ये वो वेन्यू है जहाँ से जो है ये रिसेप्शन का एरिया है, क्योंकि इसके आगे कोई ना जा पाए, यहाँ पर एक जन जो है वो बैठा रहेगा। साई हो गए, माइक्रोसेंस, फीडे, ये सबके लोगोज लगे हुए हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तो काफ़ी अच्छे इंतजाम जो है यहाँ पर नज़र आते हैं। ये वो जगह है जहाँ से सागर और अमृता जो है वो लाइव कॉमेंट्री जो है वो देने वाले हैं, तो ये वो जगह रहेगी जहाँ से लाइव कमेंट्री आप तक पहुँचेगी, और ये वो जगह जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बैठेंगे, ये अलग अलग टेबल्स पर जो है इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा, और यहाँ पर टीम्स बैठ करके एक एक खिलाड़ी जो है बैठ करके मैच खेलेगा, उनको इंटरनेट की जो है सुविधा
जो है वो अरेंज की जाएगी। और ये एक बहुत ही मुझे लगता है एक बेहतरीन लम्हा होगा भारतीय टीम के लिए कि वो एक साथ बैठ करके एक जगह से जो है वो मुकाबले ऑनलाइन मुकाबले जो है वो खेल पाएगी। और टीम की ट्रेनिंग सेक्शन मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो जरूर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर पड़ेगा। करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।